नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे रिब केज के बारे में। हमारा जो रिब केज है, हमारी वक्ष का जो पिंजर है, आखिर में ये कितनी बोन से मिलकर बना है, कौन कौन सी इसमें बोन्स है, क्योंकि ये जो रिब केज है ये भी हमारा जो एक्जियल स्केलेटल सिस्टम है उसका ही ये पार्ट होता है। एक्जियल स्केलेटल सिस्टम अक्षीय जो कंकाल तंत्र हमने देखा है उसमें स्कल वाला पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम उसमें आती है और ये रिब केज आता है। तो ये जो रिब केज होता है इसको बनाने वाली होती है हमारी 12 पेयर रिब्स। यहाँ पे 12 पेयर होते हैं रिब्स के, जो फ्लैट बोन्स हैं ये 12 पेयर रिब्स हैं। प्लस ये आगे की तरफ या हम कहें जो वेंट्रल वाली साइड है यहाँ पर एक ये फ्लैट और लॉन्ग बोन होती है, और ये जो फ्लैट लॉन्ग बोन है इसको कहते हैं स्टर्नम। बैक साइड जो होती है रिब केज की वो बनी होती है वर्टिब्रल कॉलम की। जो वर्टिब्रा है यहाँ पर होती है थोरेसिक वर्टिब्रा। इन थोरेसिक वर्टिब्रा से ही हमारी जो रिब्स है ये अटैच होती है। तो रिब्स जो होती है आगे की तरफ स्टर्नम से और बैक साइड में जो है वर्टिब्रल कॉलम में थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होती है। यदि हम कहें कि ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम का अपर पार्ट जो होता है यहाँ पर क्लेविकल बोन होती है। ये जो फ्लैट बोन्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली जो बोन हमको नजर आ रही है, दिस बोन इज क्लेविकल। ये क्लेविकल बोन है, ये रिब केज का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्लेविकल बोन जो होती है ये स्टर्नम से अटैच होती है। स्टर्नम जो है सामने की तरफ जो फ्लैट बोन है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। इसके ही अपर पार्ट से क्लेविकल अटैच है, दोनों साइड होती है क्लेविकल। क्लेविकल जो होती है हमारे यहां पर ये जो इधर बोन जो होती है दोनों साइड ये होती है क्लेविकल। इसको हम कहते हैं कॉलर बोन और इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। हालांकि रिब केज का पार्ट नहीं है, ये आगे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आएगा। तो रिब केज जो बना होता है 12 पेयर रिब से बना होगा। यहाँ पे आप देखते हो फर्स्ट जो हमारी रिब है, फर्स्ट पेयर जो रिब है आप देखोगे कंपैरेटिवली काफी छोटी ये रिब है यहाँ पे। और कोई भी रिब होगी उसका अटैचमेंट वेंट्रल साइड में जो है स्टर्नम से जो होता है यदि, तो वो कार्टिलेज के थ्रू होता है। यहां पर आपको देखो ये जो व्हाइट हमको दिख रही है ये कार्टिलेज है, ये हाईलाइन कार्टिलेज है। टोटल जो रिब्स का नंबर है आप देखोगे ये होती है 12 पेयर। टोटल नंबर कितना है रिब्स का, 12 पेयर। तो ये जो है 12 पेयर रिब्स है और ये कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैच होती है। और इन 12 पेयर रिब्स में से भी ये जो 12 पेयर रिब्स होती हैं इसमें जो सबसे ऊपर की जो 7 पेयर है वह फर्स्ट पेयर से लेकर और 7 पेयर तक की जो रिब्स होती हैं ये रिब्स होती हैं ट्रू रिब्स। फर्स्ट से 7th पेयर तक की रिब्स को हम क्या बोलते हैं, इन रिब्स को कहा जाता है ट्रू रिब्स। इनको ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं हम क्योंकि ये जो है वेंट्रल साइड में भी स्टर्नम से अटैच है, कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैचमेंट हो रहा है, और डोर्सल साइड में ये है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच। तो ये होती है ट्रू रिब्स। लेकिन ट्रू रिब्स के बाद यहां से आप देखोगे 8th, 9th और 10th ये तीन जो रिब है ये अटैच होती है हमारी 7th रिब की जो हमारी कार्टिलेज होती है उससे। मैं इसको आपको इमेज में दिखाता हूं एक बार। आप यहां पर देखो, यहां पर देखोगे यहां तक की रिब्स है 7th। इसके बाद जो नीचे जो रिब्स आएंगी 8th, 9th और 10th रिब्स, 8th, 9th और 10th, तो ये तीन जो रिब्स है ये 7th जो रिब है यहां पर जो कार्टिलेज है हाईलाइन कार्टिलेज उसके साथ ही अटैच होती है। 7 पेयर ट्रू रिब्स है, तो बाकी के बचे हुए जो 5 पेयर है फॉल्स रिब्स होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो है 8th, 9th और 10th को फॉल्स रिब कहा है। और उसके बाद जो 11th और 12th पेयर जो होता है रिब्स का उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 11th पेयर और 12th पेयर जो होती है ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये वाली और ये जो फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये छोटी है और कि ओनली जो है वन साइड में ही ये वर्टिब्रल कॉलम से इनका अटैचमेंट है। हमारी जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में इनका कोई भी अटैचमेंट नहीं है। वेंट्रल साइड में ये किसी भी जो है दूसरी रिब से नहीं अटैच है, एक तरीके से हैंगिंग कंडीशन में होती है। यहां तक कि जो ऐसा कहा जाता है कि जो जापानी लोग हैं, जापानीज में तो जो है ये जो फ्लोटिंग रिब्स है, जो 10th रिब है, 10th रिब भी बहुत सारे लोगों में जो फ्लोटिंग कंडीशन में ही मिलती है। मतलब 10th रिब का भी अटैचमेंट जो है अपने ऊपर जो है कार्टिलेज से वहां पे नहीं है। तो ये फ्लोटिंग रिब्स क्या काम आती है, फ्लोटिंग रिब्स देती है प्रोटेक्शन। फ्लोटिंग रिब्स किडनी को प्रोटेक्शन देने के काम में आती है। अब ये जो रिब्स है इसको हम एक और इसका क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। जो ऊपर के 7 पेयर है उनको कह दिया जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल। देखो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहने का जो मीनिंग है वो ये है कि एक तरफ तो वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं और आगे की तरफ जो है स्टर्नम से अटैच है कार्टिलेज के थ्रू। उसके बाद 8th, 9th और जो 10th रिब्स होती हैं इनको कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। इनको क्या कहेंगे, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, क्योंकि वो जो है आगे की तरफ बस वो जो है 7th वर्टिब्रा की जो कार्टिलेज है उससे ही वो अटैच है यहां पर। उनको कहते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल।
तो ऊपर के सेवन पेयर वर्टिब्रो स्टर्नल, फिर एट्थ, नाइन्थ और टेंथ हो गए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, और इलेवंथ और ट्वेल्थ पेयर तो हमने जैसे पहले भी जाना, इलेवंथ और ट्वेल्थ पेयर तो होते हैं फ्लोटिंग रिब्स के, तो वो भी हमको है याद रखना। और ये जो रिब्स होती है ये फ्लैट बोन्स होती है, रिब्स के अंदर जो है बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो खासतौर पर अंदर होता है, तो ब्लड फॉर्मेशन भी रिब्स के अंदर होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ब्लड फॉर्मेशन है वो रेड बोन मैरो में होता है, रिब्स में वो है। इसके साथ ही रिब्स को हम बाइसिफेलिक भी कहते हैं। बाइसिफेलिक कहने का मीनिंग ये है कि जब वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये अटैच होती हैं, जब ये रिब्स जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ती हैं, तो वो दो पॉइंट पर उनका अटैचमेंट जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ होता है, दो हेड से उनका अटैचमेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और ये जो रिब केज होता है, इस रिब केज के अंदर है प्रोटेक्शन जो मिलती है हमारे जो लंग्स है और जो हार्ट है, उनको इस रिब केज के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है, तो हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन देने का फंक्शन रिब केज का होता है। ये जो लंग्स है, लंग्स के नीचे की तरफ डायफ्राम होता है, और इलेवंथ और ट्वेल्थ जो हमारी जो है रिब्स है वो प्रोटेक्शन देने का काम करती है हमारी किडनीज को भी। तो ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम का अपर पार्ट जो होता है इसको कहते हैं मैन्यूब्रियम, और स्टर्नम का बीच का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम, और सबसे नीचे का जो स्टर्नम का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं जीफॉइड प्रोसेस या जीफी स्टर्नम। तो स्टर्नम जो है ये हमारे वेंट्रल साइड में एक फ्लैट बोन है जिसके तीन मेन पार्ट है, ऊपर का जीफॉइड प्रोसेस, नीचे का है बॉडी ऑफ स्टर्नम, और सबसे लोअर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं जीफी स्टर्नम। तो ये रिब केज के जो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको हमको याद रखना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।